अभी हम आ गए हैं शीतला माता मंदिर। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, जो काफ़ी वाटरफॉल है इधर। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी बंदर भी है। तो आइए हम चलते हैं वाटरफॉल, और काफ़ी गहरा है, हमें बहुत नीचे तक जाना है। तो आइए हम चलते हैं। बंदर से मुझे बहुत डर लगता है यार, लेकिन आप देख सकते हैं इधर कितनी कितना गहरा है इधर इस साइड। और आपको मैं इधर भी बता देता हूँ, इधर भी कितना गहरा है, आप देख सकते हैं यहाँ। ओ तेज पकड़, आराम से। आप देख सकते हैं कि बंदर बहुत ही खतरनाक बंदर है बाबा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। आओ तो ध्यान से आजो, अगर आपका इधर आना हो ना तो ध्यान से आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर है। अगर आपके हाथों में कुछ भी है ए, रुको रे, तो वो छीन लेते हैं। आप देख सकते हैं एक ये बंदर इधर बैठे हुए, इधर बैठे हुए हैं। एक बंदर तो मेरे पास में बैठा हुआ है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। आपको दिखा दूं मैं, नीचे भी देख लो, आपको दिखा सकता हूँ। बहुत ही काफी गहरा है इधर, ये देखिए। और इस साइड इधर गुफा में प्रवेश निषेध है, इधर गुफा में जाना मना है, इसलिए हम जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत अंधेरा है शायद गुफा में। अंदर लाइट भी लगी हुई नहीं है, लाइट गई हुई है क्योंकि लाइट गई हुई है। तो आइए हम चलते हैं और भी। और आप इधर देख सकते हैं काफी गहरा है, ये काफी फेमस है। और इधर शायद मंदिर है, एक मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये। हम एक पहाड़ पे आए हैं, पहाड़ से हम वापस से नीचे अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे वाटरफॉल होता है। तो आइए हम चलते हैं नीचे, आ जाओ भाई जल्दी। इधर देखिए एकदम पूरा पहाड़ बना हुआ है। ओ मंदिर कौन सा है? वो अभी आएंगे तब देखेंगे। इधर शीतला माता मंदिर है, हम नीचे जा रहे हैं पहले, उसके बाद फिर हम शीतला माता मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल, शायद अभी बारिश कम होने की वजह से वाटरफॉल नहीं होगा, शायद पानी भरा होगा, और जिसके बाद ये एक सेल्फी ले रहे हैं इधर। ये देख सकते हैं इधर, ज़ूम कर ले ले। मेरे साथ में जितने भी सफर करने वाले लोग हैं सारे यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ये। सेल्फी जल्दी ले लो यार, आ गए भाई लोगों ने सेल्फी ले ली। अभी हम नीचे जाते हैं, आ जाओ नीचे चलते हैं, काफी गहरा है यार नीचे। हम पहुंच गए नीचे जहाँ पे वाटरफॉल होता है, बट अभी पानी बहुत कम है क्योंकि बारिश उतनी हुई नहीं है, इसलिए अभी वाटरफॉल नहीं है यहाँ पे, वाटरफॉल नहीं होगा। बस यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पब्लिक स्नान कर रही है, आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड, बहुत लंबा है यार, कितना
बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ मैं तो। कितना बड़ा पत्थर है यार, इधर देखिए। मैं तो थक गया हूँ पूरा। माय गॉड, कितना चलना पड़ रहा है। हो कितना दूर हो रहे, हाँ इन पहाड़ों के बीच में, इन पत्थरों के बीच में चलना मुश्किल हो जाता है भाई, मेरी तो लगी पड़ी है। ओ शिट, कितनी गर्मी, मौसम बहुत अच्छा है लेकिन गर्मी इतनी तेज हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वाटरफॉल, बट अभी बारिश बहुत ही कम हुई है इस वजह से यहाँ पे वाटरफॉल अभी बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं इधर वाटरफॉल, जो अभी बारिश ना होने की वजह से बहुत ही कम वाटरफॉल है इधर, आप देख सकते हैं इधर। हम चलते हैं। Oh my God. 1, 2, 3. Excuse me. तो फाइनली हम वाटरफॉल के यहाँ पे आ गए हैं, और जिसके बाद बारिश बहुत ही कम हुई है इस वजह से यहाँ पे वाटरफॉल बहुत ही कम है, आप देख सकते हैं ये। और ये इंदौर में, इंदौर से समथिंग 20 से 25 किलोमीटर दूर है ये जगह, आप देख सकते हैं काफ़ी पहाड़ों के बीचों बीच में ये नदी निकल के गई है। तो आइए चलते हैं हम वाटरफॉल के नीचे चले। ओके तो आइए चलते हैं फिर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। उतरने का है क्या? आशा देना जरा, तो नहीं उतरना। तो फाइनली हम आ गए हैं वाटरफॉल, जहाँ पे इंदौर की बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इतना सफ़र और तय करना है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। और जिसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आइए चलते हैं। हाँ आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ यार। तो फाइनली हम पहुंच गए, आप देख रहे होंगे ये है इधर वाटरफॉल, एक इधर वाटरफॉल है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक वाटरफॉल उधर है, उधर ही हम जा रहे हैं। और इधर देखिए जितने नहाने वाले बंदे हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। आ जाओ फिर। ओह मेरे तो पैर दर्द करने लग गए यार, देखिए कितना बड़ा पत्थर। ओ माय गॉड, इंसान के अगर ऊपर गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। मुझे पता नहीं था यार कितना इतना, मुझे देख एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि इंदौर में इतनी अच्छी भी जगह है। पत्थर पत्थरों के बीच ये वाटरफॉल बना हुआ है, आप देख सकते हैं इधर, ये आप देख सकते हैं इधर भी सबसे बड़ा वाटरफॉल वहाँ पे है, मेरे हाथ किधर है, ये सबसे बड़ा वाटरफॉल इधर है, और ये छोटा वाला वाटरफॉल है। क्योंकि अभी बारिश बहुत कम हुई है इस वजह से पहाड़ से पानी बहुत ही कम गिर रहा है। तो आइए हम चलते हैं बड़े वाटरफॉल के वहाँ पे, जहाँ से पानी बहुत तेज गिर रहा है। ओह माय गॉड, कितना आप देख सकते हैं पीछे कितना क्राउड है। तो फाइनली हम
तो फाइनली हम आ गए वाटरफॉल के यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये इस साइड, ये यहाँ पे कम वाटरफॉल है, तो ज़्यादा वाटरफॉल ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ज़्यादा वाटरफॉल होता है वो साइड है, मेरे सारे दोस्त लोग भी उधर ही हैं, बट मुझे नहाना नहीं था इसलिए मैं आ गया हूँ, और वो अभी तक वहीं पे है। तो देखिए कितने ऊपर ऊपर तक पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बीच से वाटरफॉल होता है। पहाड़ का जितना भी पानी है वो यहाँ पे आके गिरता है। अभी बारिश बहुत कम हुई है, इस वजह से वाटरफॉल बहुत ही कम है। फाइनली दोस्तों अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मांडू, और ये रास्ते में था इसलिए हम शीतला माता मंदिर आ गए थे, और जिसके बाद मांडू में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे आधे घंटे रुके और हम यहाँ से निकल लिए।